वेलकम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। आज मैं आपको एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को बिना किसी ट्रिक के याद कराने वाला हूं। अब इस एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को बिना किसी ट्रिक के याद करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। तो पहले हम वो चीज़ें समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा इज अ इन्फ्लामेटरी कंडीशन। तो अस्थमा एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इन्फ्लामेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन आना। तो हमारे जो एयर वे ट्रैक्ट है और जो हमारे लंग्स है, इसके अंदर सूजन आ जाती है, ऐसी कंडीशन जो हो जाती है, ऐसी कंडीशन बन जाती है, उसे हम अस्थमा कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन अंडरलाइंग हाइपर रिएक्टिविटी। तो हाइपर रिएक्टिविटी का क्या मतलब होता है? हमारा हमारी बॉडी जो है बाहर से आने वाले किसी एंटीजन या किसी भी चीज़ के लिए इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है और उसको खत्म करने की कोशिश करता है, उसके लिए रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिविटी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपर रिएक्टिव कंडीशन होती है। तो इन्फ्लामेशन अंडरलाइंग हाइपर रिएक्टिविटी। अस्थमा दो टाइप में डिवाइड करे हुए हैं, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक का मतलब एपिसोडिक होता है और इंट्रेंसिक जो होते हैं वो होते हैं लॉन्ग लास्टिंग या पर्नियल। ठीक है, अब अस्थमा को क्या चीज़ें ट्रिगर करती है दोस्तों, वो देखते हैं। तो इन्फेक्शन, पॉल्यूशन, इरिटेंट, कोल्ड एयर जैसी चीज़ें जो हैं वो अस्थमा को ट्रिगर करती है। अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों? तो अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं एपनिया, मतलब सांस लेने में दिक्कत आना, वीजिंग साउंड आती है, सांस लेते समय कुछ आवाज़ें आती है, और इरिटेशन इन एयरवे, मतलब कि एयरवे में कुछ इरिटेशन होता है, और लंग्स में एडिमा आ जाता है, मतलब कि सूजन हो जाती है लंग्स में। ऐसे कुछ ये सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के। अस्थमा की कंडीशन को हमारी बॉडी में बनाने के लिए हमारी बॉडी में कुछ मीडिएटर्स होते हैं। ये मीडिएटर्स ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। अब ये जो मीडिएटर्स है वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी है इमीडिएट, जिसके अंदर होता है हमारा हिस्टामाइन। सेकंड कैटेगरी है विद इन मिनट्स की, जिसके अंदर होते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिंस, ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। और थर्ड कैटेगरी है और आर्स, जिसमें इंटरल्यूकिन टीएनएफ अल्फा जो है हमारे होते हैं। इमीडिएट जो मतलब कि है, जैसे ही हमारे कोई एलर्जन वगैरह आता है बॉडी के अंदर, सबसे पहले मास्ट सेल जो है, मास्ट सेल जो हमारे लंग्स के आसपास जो होती है, वो सबसे पहले हिस्टामाइन रिलीज करती है। ये सबसे स्टार्टिंग इनिशियल प्रोसेस होता है। उसके बाद में धीरे धीरे बाकी की चीज़ें बनती है, पीजी वगैरह ये सब बाद में बनते हैं। सबसे पहले मास्ट सेल जो है वो हिस्टामाइन रिलीज कराती है, ये इमीडिएट प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद में जो विद इन मिनट में होता है वो होता है पीजी और ल्यूकोट्राइन्स, जिन्हें हम इकोसेनॉइड्स भी कहते हैं, ये रिलीज होते हैं और ये भी फर्दर ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं। और उसके बाद में हमारे पास में होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये जो है ये भी रिलीज होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में है जो ओवर द आर्स जो इंटरल्यूकिन्स है और टीएनएफ अल्फा है, ये लंबे प्रोसेस के लिए होती है, लंबे समय बाद में। ठीक है, तो जो हिस्टामाइन जो है सबसे पहले ये वर्क करते हैं, उसके बाद में ये धीरे धीरे और भी सेल्स को इकट्ठा करने लगते हैं, और भी सेल्स उस सेल्स आ जाती है वहाँ पर, और फिर पीजी, ल्यूकोट्राइन्स ये सब मिलकर के इन्फ्लेमेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस और ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, उसको जो एयर वे पाथ है उसको नैरो कर देंगे, और इस तरीके से अस्थमा की कंडीशन को ये सब मिलकर के एक कंडीशन बना देते हैं अस्थमा की। तो अब हम देखते हैं दोस्तों हिस्टामाइन कैसे रिलीज होता है, पीजी ल्यूकोट्राइन्स कैसे रिलीज होते हैं, हम ये देखते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिस्टामाइन कैसे रिलीज होता है। हिस्टामाइन सबसे पहली बात तो ये है कि मास्ट सेल के अंदर होता है। मास्ट सेल एक डिफेंस सेल ही है, और मास्ट सेल के अंदर जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, मास्ट सेल के अंदर जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर हिस्टामाइन स्टोर रहता है। ठीक है, मास्ट सेल के बाहर की जो लेयर होती है उसके ऊपर होता है आईजी एंटीबॉडी। ये जो दिख रहा है आपको ये आईजी एंटीबॉडी है, और ये जो दिख रहा है आपको ये एक एंटीजन या एलर्जन है जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मली नहीं होता, ये बाहर से आया है एंटीजन या एलर्जन जो है। ये एंटीजन या एलर्जन जैसे ही आईजी एंटीबॉडी के ऊपर बाइंड होगा, इस जगह पे ये बाइंडिंग साइट है आईजी एंटीबॉडी की, जो मास्ट सेल के ऊपर लगी हुई है आईजी एंटीबॉडी, तो ये इसके ऊपर बाइंड हुआ, जैसे ये एक्टिवेट होगा ये मास्ट सेल को फोर्स करेगा किसके लिए, हिस्टामाइन को रिलीज करने के लिए। तो ये यहाँ बाइंड होगा, उसके बाद में क्या होगा कि ये जो ग्रेन्यूल है ये रेप्चर होगा और ये हिस्टामाइन यहाँ पर रिलीज होगा, फिर जो भी हिस्टामाइन के एक्शंस है वो हमको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इमीडिएट प्रोसेस होता है, जैसे ही एंटीजन आया यहाँ बाइंड हुआ, इसको पता लगा कि एंटीजन आया है, मास्ट सेल क्या जो ये ग्रेन्यूल है ये डीस्टेबलाइज हो जाएगा और हिस्टामाइन रिलीज कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब पीजी और ल्यूकोट्राइन्स और ये जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स जो है ये, या फिर थ्रोम्बेक्सिन जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं हमारे। तो ये एक, मान लीजिए एक सेल है, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल है,
ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है सेल के बाहर, तो जो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, हर सेल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन, बाहर सेल मेम्ब्रेन होती ही है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की होती है। तो इस सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होता है, वो जो फॉस्फोलिपिड है वो किसी ना किसी एक जो हमारा फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम है इसकी मदद से किसमें बदल जाता है, आर्किडोनिक एसिड में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसमें फॉस्फोलिपिड होता है। अब कोई भी जब केमिकल या मैकेनिकल शॉक होगा उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या रिलीज होगा, फॉस्फोलाइपेज ए, और ये फॉस्फोलाइपेज ए जो है वो सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड को आर्किडोनिक एसिड में बदल देगा। ठीक है, तो क्योंकि ये 20 आर्किडोनिक एसिड जो है एक फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड है, 20 कार्बन का होता है ये, 20 कार्बन चेन होती है, तो ये जो है एसेंशियल फैटी एसिड जब बनता है इसके बाद में क्या होता है, बॉडी के अंदर दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक तो होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज और एक होता है लाइपोऑक्सीजिनेज। जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है वो आर्किडोनिक एसिड को पीजी और थ्रोम्बेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा, और जो लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम है वो आर्किडोनिक एसिड को लिकोट्राइन्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर। नहीं समझ में आया तो मैं वापस से समझा देता हूँ आपको। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। जब भी कोई बॉडी के अंदर केमिकल या मैकेनिकल शॉक लगता है कोई भी, तो उस समय क्या रिलीज होता है बॉडी में, फॉस्फोलाइपेज ए। ठीक है, अब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड इस फॉस्फोलाइपेज ए की वजह से आर्किडोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो आर्किडोनिक एसिड होता है अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज के संपर्क में आएगा तो ये पीजी और थ्रोम्बेक्सेन बनाएगा, और आर्किडोनिक एसिड जब अगर लाइपोऑक्सीजिनेज के संपर्क में आएगा तो ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा। ठीक है, फिर ये ल्यूकोट्राइन्स और पीजी का क्या रोल है वो आपको पता है कि ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, और जो भी और भी दूसरे भी बहुत सारे रोल होते हैं इनके, तो वो बहुत अलग बात है, वो बाद में देखेंगे। तो अब फाइनली हम वहां पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था। तो हमें पता लग गया कि भाई अस्थमा किस कारण से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या मीडिएटर्स हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब हम इन मीडिएटर्स को अगर हमें रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ों पे आते हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि अब हमें पता है कि जो एलटी है मतलब ल्यूकोट्राइन्स है वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी तरीके से अगर एलटी के जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर लें, मतलब कि एलटी एंटागोनिस्ट का यूज़ करें, मतलब कि ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट का यूज़ करें, इसके जो एंटागोनिस्ट हैं उनका यूज़ करें, तो हम ल्यूकोट्राइन्स को रोक सकते हैं ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करने से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलटी एंटागोनिस्ट, मतलब कि ल्यूकोट्राइन को एंटागोनाइज करेंगे। सबसे पहली हमारी क्लास ये हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्लास हम बात करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स क्या है, जब कोई एंटीजन यहाँ आया था, यहाँ एंटी आई जी इस पर बाइंड हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि मास्ट सेल की जो ये थी ये डी स्टेबलाइज हो गई थी। डी स्टेबलाइज होने के बाद इसने क्या कर दिया था, हिस्टामाइन को रिलीज कर दिया था। तो अगर हम किसी तरह मास्ट सेल स्टेबलाइजर का यूज करें तो ये स्टेबलाइज रहेगी, मतलब कि ये हिस्टामाइन को रिलीज नहीं करेगी। ये दूसरा नंबर हो गया, पहला नंबर हमारा था एलटी एंटागोनिस्ट, दूसरा हो गया हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। थर्ड अब मैं बात करता हूं तो स्टेरॉयडल ड्रग्स की, मतलब कि जो हमारे स्टेरॉयडल ड्रग है वो क्या करती है, वो डायरेक्ट एक्ट करती है यहां पर। ये जो हमारा फॉस्फोलाइपेज ए जो है, स्टेरॉयडल ड्रग जो है वो इसको ब्लॉक कर देगी, स्टेरॉयड जो है वो इसको ब्लॉक करेगी, और इसको ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर था वो आर्किडोनिक एसिड नहीं बनाएगा, आर्किडोनिक एसिड वापस से साइक्लोऑक्सीजिनेज की प्रेजेंस में पीजी थ्रोम्बेक्सेन या लाइपोऑक्सीजिनेज के प्रेजेंस में एलटी भी नहीं बनाएगा। तो मतलब पीजी एलटी दोनों ही एक साथ ब्लॉक हो गए, मतलब कि आर्किडोनिक एसिड ही नहीं बनने दिया स्टेरॉइड ने। तो ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। तो ये बहुत ही मतलब कि जब बहुत केस बहुत सीवियर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट स्टेरॉइड्स का यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है। तो ये हमारी एक और क्लास हो गई, ये थर्ड क्लास और मान लेते हैं इसे हम। ठीक है, अब एक और क्लास बची है हमारी, दो क्लासेज और हैं। तो एक क्लास है हमारी आईजी एंटीबॉडी। तो वो क्लास क्या है, जैसे कि हमारा आईजी एंटीबॉडी है, ये रहा हमारा आईजी एंटीबॉडी। अगर हम किसी तरीके से ये जो बाइंडिंग साइट है इसकी, इसको कवर कर ले रहे, तो जो ये एंटीजन है वो यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगा, वो यहाँ बाइंड नहीं होगा तो ये सब चीज़ें मास्ट सेल से हिस्टामाइन का रिलीज वगैरह वो भी रुक जाएगा।
ठीक है, तो हम डायरेक्ट आईजी एंटीबॉडी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो एंटी आईजी एंटीबॉडी है, ये हम डायरेक्ट इसको यहाँ एक ऐसा ड्रग देंगे जो कि वो यहाँ इस बाइंडिंग साइट पर बाइंड हो जाए और इसको ब्लॉक कर दे। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो है हमारी एंटी आईजी एंटीबॉडी कहलाती है। और इसमें एग्जांपल देखें तो ओमालीजुमैब हमारे इसके अंदर एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक क्लास हो गई, फोर्थ क्लास। ठीक है, फिर एक और क्लास हमारी है, वो है ब्रोंकियोडायलेटर्स। क्योंकि हमें सब पता है कि इन सब की वजह से हो क्या रहा है, अल्टीमेटली ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो हम अगर ऐसी कोई ड्रग्स दें जो कि ब्रोंकियो डायलेशन करें, तो वो हमें अस्थमा से रिलीफ दिला सकती है। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स कौन सी हो जाती है? ऐसी ड्रग्स हो जाती है हमारे पास में दोस्तों बीटा टू सिंपेथोमिमेटिक्स। ठीक है, और कौन सी ड्रग्स हो जाएगी? तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हो जाती है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हो जाती है, बीटा टू सिंपेथोमिमेटिक ड्रग्स हो जाती है। ये सब ड्रग्स जो है ये ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह वहां पर ब्रोंकियो डायलेशन कराएगी। ठीक है ना, जो वो है ब्रोंकियो डायलेटर्स की क्लास, जो कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स के तौर पर यूज की जाती है। इसके अंदर सब डिवीजन है बीटा टू सिंपेथोमिमेटिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स और मिथाइल जेंथिन्स। तो ये तीनों सब क्लासेस ब्रोंकियोडायलेटर्स की जैसे यूज़ की जाती है। ये तीनों ऐसी ड्रग्स है जो कि ब्रोंकियोडायलेशन करवाती है। ठीक है, अस्थमा में बेसिकली हो यही रहा था कि ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, अब हमें क्या करवाना है? ब्रोंकियोडायलेशन करवाना है। तो हम ऐसे यूज़ करेंगे ड्रग जो ब्रोंकियोडायलेशन करवा दे। ठीक है, तो बीटा टू रिसेप्टर्स कहाँ हैं? सबसे पहले हम सब कैटेगरीज का जो क्या मैकेनिज्म एक्शन जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बीटा टू सिंपेथोमिमेटिक्स कैसे काम कर रही है। तो हमारे लंग्स में बीटा टू रिसेप्टर्स यहाँ होते हैं, ये ब्लैक वाले जो है ये बीटा टू रिसेप्टर्स है मान लीजिए, और ये एम थ्री रिसेप्टर्स है, मतलब मस्कारनिक रिसेप्टर्स है। एम थ्री रिसेप्टर्स यहाँ होते हैं, ये ट्रैक इस ट्रैक में है ना, इस जगह पर होते हैं हमारे एम थ्री रिसेप्टर्स, और यहाँ जो होते हैं बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं। अब जैसे ही सिंपेथोमिमेटिक्स ड्रग्स का हम यूज़ करेंगे, तो ये एगोनिस्ट एक्शन दिखाएंगे यहाँ पे बीटा टू रिसेप्टर के ऊपर। फिर क्या होगा? एडीनाइल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट होगा, वो एक्टिवेट होगा और फिर बनाएगा सीएमपी इंक्रीज होगा, और क्या हो जाएगा बाद में? ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात करें हम एंटीकोलिनर्जिक्स की, तो एंटीकोलिनर्जिक्स ये एम थ्री रिसेप्टर के ऊपर काम करेगी, और एम थ्री रिसेप्टर पर जैसे ही ब्लॉकिंग एक्शन दिखाएगी, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक्स है तो ये ब्लॉकिंग एक्शन दिखाएगी या एम थ्री रिसेप्टर के ऊपर, और क्या कर देगी? ये इनहिबिट आई पी थ्री डी ए जी पाथवे। तो आई पी थ्री डी ए जी पाथवे के थ्रू जो मैकेनिज्म चल रही थी कोलिनर्जिक ड्रग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की मदद से, वो ब्लॉक हो जाएगी और एंटी कोलिनर्जिक एक्शन क्या होगा? ये इनहिबिट कर देगा इस आई पी थ्री डी ए जी पाथवे को, और हमारा इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ब्रोंकियो डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्लास है मिथाइल जेंथिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे जो सेल्स के अंदर एटीपी था, एटीपी से बना हमारा साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी से बन जाएगा हमारा साइक्लिक एएमपी, जब मेटाबॉलिज्म होगा इसका तो ये सीएमपी मेटाबोलाइट बनेगा। तो जो साइक्लिक एएमपी का मेटाबॉलिज्म जो करता है वो एंजाइम है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम होता है। अगर मान लीजिए अगर हम फॉस्फोडाइएस्टरेज को ही इनहिबिट कर दें, अगर मैं इसको ही इनहिबिट कर दूं, तो सीएमपी इंक्रीज हो जाएगा, और सीएमपी इंक्रीज हो जाएगा तो फर्दर ब्रोंकोडायलेशन होगा। तो यहां पर ये जो ड्रग्स है मिथाइल जेंथिस जो है वो क्या करती है? फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। ठीक है, पीडीई को ब्लॉक करती है, उससे क्या हो जाता है कि ये सीएमपी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उसका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, और सीएमपी का जो है ये सीएमपी की जो वैल्यू वो बढ़ेगी, और ये क्या कराएगी? ब्रोंकियो डायलेशन करवाएगी। ठीक है, एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स में मेनली पांच क्लासेस आती हैं, ब्रोंकियोडायलेटर्स, ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी आईजी एंटीबॉडी। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोंकियोडायलेटर्स को। तो ब्रोंकियोडायलेटर्स में मेनली तीन सब क्लासेस आ जाती है, बीटा टू सिंपेथोमिमेटिक्स, मिथाइल जेंथिन्स और एंटीकोलिनर्जिक्स। बीटा टू सिंपेथोमिमेटिक्स में सालबुटामोल, टर्बुटालिन, बम्बुटेरोल, सालमेटेरोल, फॉर्मेटेरोल ड्रग्स आ जाती है। बीटा टू सिंपेथोमिमेटिक्स बीटा टू एगोनिस्ट होती है। और नेक्स्ट हम बात करें मिथाइल जेंथिन्स की, इसमें आ जाती है थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, हाइड्रोक्सीथाइल थियोफाइलिन, डोक्सोफाइलिन जैसी ड्रग्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स में, एंटीकोलिनर्जिक्स एम थ्री एंटागोनिस्ट होती है, इसमें आ जाती है इप्रोटोपेम्ब्रोमाइड, टियोट्रोपेम्ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट की, तो इसके अंदर आ जाती है ड्रग्स जाफिलुकास्ट, मोंटोलुकास्ट। इसके बाद हम बात करते हैं
मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स की, तो इसमें ड्रग्स आ जाती है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, किटोटीफेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, इसमें दो सब क्लासेज है, सिस्टमिक और इनहेलेशनल। सिस्टमिक में आती है हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इनहेलेशनल में आ जाती है बेक्लोमेथासोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, फ्लूनिसोनाइड, सिस्लेसोनाइड, तो ये सब ड्रग्स आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी आईजी एंटीबॉडी, तो इसमें आ जाती है ओमालिजुमैब। ये हमारा एंटी एस्थमेटिक।